महात्मा गांधी एक बात का एक वक्तव्य मुझे याद है, हरिजन में उन्होंने 1949 के एक अंक में बापू ने लिखा था कि जहां तक भारतीय ग्रामवासी का संबंध है, उसके गंवारपन की पपड़ी के नीचे युगों की पुरानी संस्कृति छिपी हुई है। उसकी यह पपड़ी उतार दीजिए, उसके जमाने से चली आ रही गरीबी और निरक्षरता को हटा दीजिए, तो आप पाएंगे कि वह एक सुसंस्कृत, सभ्य और स्वतंत्र नागरिक का नमूना है। जम्मू कश्मीर में गंवारपन की पपड़ी नहीं, बल्कि आतंकवाद के इकोसिस्टम, टेरर इकोसिस्टम के खौफ और रसूखदारों के अत्याचार की जमी हुई पपड़ी को निकालने में काफी हद तक कामयाबी मिली है। और उसके उखड़ते ही आज विकास हर एक सेक्टर में आई गतिशीलता नागरिकों की आकांक्षा और उनकी भागीदारी के कारण संभव हो पाई है। जम्मू कश्मीर आज उस पल को जी रहा है जब बदलाव की तेज हवा चल रही है। मनमानी का राज्य समाप्त हो चुका है। बिना किसी पक्षपात, बिना किसी भेदभाव के समाज के हर एक वर्ग अपने अधिकारों को प्राप्त करे, इसकी कोशिश हो रही है। प्रशासन के साथ नए रिश्तों को भी आवाम जोड़ने की कोशिश कर रही है और प्रशासन भी जोड़ने की कोशिश कर रहा है। आज मुझे जम्मू कश्मीर को जब मैं पलट के देखता हूं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगतिशील एक आधुनिक जम्मू कश्मीर का निर्माण करने के लिए लगन और ईमानदारी से हम और हमारे सहयोगियों ने, हमारे साथियों ने काम किया है। देश में ही नहीं बल्कि बाहर भी खुशहाल जम्मू कश्मीर की चर्चा लोग करने लगे हैं। उस जम्मू कश्मीर में पिछले 4 वर्षों में नए सपने बोए गए हैं, नए संकल्पों की फसल काटने की तैयारी की गई है। लाखों नौजवानों को सही रास्ते पर चलकर बेहतर वर्तमान और भविष्य निर्मित करने की आजादी मिली है। महिला एंटरप्रेन्योर जिन बुलंदियों को छू रही हैं, उससे पूरे देश में उनका और जम्मू कश्मीर का आदर बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। जुलाई में एक फैसला हम सब ने किया था कि ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल हैं, अहर हैं और उनके पास जमीन नहीं है, उन्हें सरकार जमीन देगी। ऐसी व्यवस्था देश के दूसरे हिस्सों में थी। 1,95,500 प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार ने अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को दिए थे। व्यक्तिगत रूप से कई लोग मुझसे भी मिले, प्रशासन के कुछ शीर्ष अधिकारियों से मिले। उन्होंने कहा कि मेरा नाम तो सूची में है लेकिन हमारे पास जमीन नहीं है। तब हमने फैसला किया कि ऐसे लोगों को हम सरकारी जमीन देंगे ताकि उनके सपनों का घर बन सके। गरीबों के सपनों से यहां सिंहासन पर बैठे जागीरदारों को का वास्ता नहीं रहा। जुलाई में जब ये फैसला किया गया तो कई लोगों को बहुत तकलीफ हुई, पेट में दर्द हुआ। मैं उनकी तकलीफ समझता हूं, वाकिफ भी हूं। जब गरीब के घर में खुशहाली बढ़ती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें होती है जिन्होंने लंबे समय तक उसे गरीब बनाए रखकर अपनी दुकानदारी चलाई है। आज मैं कहना चाहता हूं कि शोषण के दिन अब समाप्त हो गए हैं। मोदी जी की सरकार ने गरीबों के पोषण का बीड़ा उठाया है। आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी तथा संपूर्ण समता के साथ समाज की पुनर्रचना हो, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।